नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, किडनी। किडनी एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखा जाता है कि हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड वाली किडनी 80% अल्कलाइन फिल्टर करती है, 20% एसिड फिल्टर करती है। ऐसे ही लेफ्ट साइड जो किडनी होती है वो 80% एसिड फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन फिल्टर करती है। ये इनका कार्य है। अगर सपोज करो कुछ कारणवश किसी की किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है और उसकी एक किडनी काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके शरीर में केवल एक ही किडनी बची है जो काम कर रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो बची हुई किडनी है वो एक घंटा एसिड फिल्टर करेगी और एक घंटा अल्कलाइन फिल्टर करेगी। तो किडनी हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गए हैं वो किडनी का फंक्शन है कि उसको बाहर निकालना, यानी कि जो भी टॉक्सिन है किडनी का काम है फिल्टर करने का, तो वो टॉक्सिन को फिल्टर करके यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से रिमूव करती है। और दोस्तों किडनी कभी भी एकदम खराब नहीं होती। किसी को अगर किडनी संबंधित कोई दिक्कत आ गई है तो वो एकदम कभी नहीं आएगी, पहले किडनी संकेत देना शुरू कर देती है। बहुत सारे संकेत हो सकते हैं। और दोस्तों जब किसी को किडनी में कोई दिक्कत होती है तो उसके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और ब्लड टेस्ट में भी उसका क्रिएटिनिन चेक करा जाता है। अगर उसका क्रिएटिनिन अपसाइड में आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो उस आधार पर कहते हैं कि आपको किडनी में कोई दिक्कत आ गई है। जब ब्लड टेस्ट में कोई डाउट आता है तो उसके बाद फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसके बाद उसकी स्कैनिंग कराई जाती है। उससे यह पता चल जाता है कि इसकी ओवरऑल इसकी किडनी की इंटरनल स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि किडनी कभी भी एकदम से खराब नहीं होने वाली। हो सकता है कि व्यक्ति को पता नहीं चला, उसने इग्नोर किया, उसके कारण से उसकी डिजीज धीरे धीरे बढ़ने लग गई। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने हमारा खान पीन। हम क्या खाते हैं, किन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, खाने का क्या सिस्टम है, या हम किसी भी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, या किसी को बीपी की समस्या रहती है, काफी लंबे समय से बीपी की समस्या है, व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, कोई पेन रहता है उसको, उसके लिए वो पेन किलर निरंतर ले रहा है, स्टीरॉइड्स ले रहा है, जिसके कारण से उसकी किडनी पर इफेक्ट आता है और किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। या वह लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी है किडनी उसी को फिल्टर करती रहती है लगातार, और उसके कारण से किडनी पर ज्यादा प्रेशर आता है और ज्यादा प्रेशर आ जाने से किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जो लोग अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या उनका खाना पीना डिस्टर्ब रहता है, दूषित पानी पीते हैं, यानी कि पानी ठीक नहीं है, उसमें कुछ वायरस बैक्टीरिया है जिसके कारण से उनको दिक्कत आ सकती है। फल सब्जियों का जो सेवन करते हैं वो शुद्ध नहीं है, वो रखी हुई है, उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, उनमें जर्म्स आए हुए हैं, वो भी एक कारण बनता है किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने का। और जिनको भी किडनी की दिक्कत होती है दोस्तों, देखा जाता है कि उनका जो यूरिन आता है वो डार्क कलर का आता है, उसका कलर अलग से चेंज हुआ होगा, और एक बहुत बड़ा जो लक्षण नजर आता है, ऐसे लोगों को यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बूंद बूंद करके आता है, ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, जिसके कारण से उनकी बॉडी के टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे होते और उनको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, या बहुत सारे अदर पार्ट्स पे भी उनको स्वेलिंग हो सकती है, आंख के यहां पर उनको स्वेलिंग हो सकती है, एल्बो जॉइंट्स पर उनको स्वेलिंग हो सकती है, और यूरिन में एक स्मेल सी भी आती है, और कई बार तो व्यक्तियों को वॉमिटिंग फीलिंग्स होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी लगती है, ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जान नहीं है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, जरा सा काम करने पर थक जाते हैं, लेटे रहने की इच्छा होती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी किडनी की कोई दिक्कत होती है तो ये सारे कारण होते हैं और ये सारे लक्षण नजर आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते तो आप अपना समय रहते हुए अपना टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी बीमारी को यहीं रोके। दोस्तों आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर आपको किडनी संबंधित कोई भी दिक्कत आ गई है, अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते तो आपकी किडनी की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगती है,
और जो उसके कारण से आपको समस्याएं आ रही हैं, आप उनको निरंतर फेस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट के साइड में बैठना है। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ किडनी के लिए बहुत असरदार ये ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। देखेंगे अपना हाथ हमें इस प्रकार से रखना है, दूसरा इस प्रकार से, और हल्का सा हमें नीचे की ओर दबाव देना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। फिर हाथों को उठाना, फिर दोबारा से हाथों को वहीं रखना 1 2 3 4 5 6। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना, फिर तरीका वही रहेगा 1 2 3 4 5 6। फिर हाथ को उठाना, वहीं वापस रखना 1 2 3 4 5 6। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना, फिर तीसरा राउंड हमें करना है 1 2 3 4 5 6। हाथ उठाए दोनों 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप, फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। हाथों को उठाया, वहीं वापस रखा 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप और ये हमारा 5th राउंड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप और फिर 6th टाइम 1 2 3 4 5 6। फिर हाथों को उठाया और वापस वहीं रखा 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इसे हमारी थेरेपी में बोलते हैं 2 pain into 6 ट्रीटमेंट। बहुत इफेक्टिव है ये किडनी की समस्याओं के लिए। किडनी के कारण से जो फिल्ट्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, यूरिन की मात्रा कम हो गई है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो गई है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल ट्रीटमेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको किसी को भी ये समस्या है या आपके परिवार में किसी साथी को समस्या है तो ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में जाना किडनी का फंक्शन क्या होता है और जब किडनी में कोई दिक्कत आती है तो उसके लक्षण कैसे कैसे हमें नजर आते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने सीखा। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी किडनी की समस्या होती है तो बहुत सारे लक्षण जैसे मैंने बताए और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा और व्यक्ति को हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है। और जब डायलिसिस होता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जब आर्टिफिशियल तरीके से उनका ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके कारण से बॉडी के अंदर बहुत वीकनेस, थकान, कमजोरी महसूस होती है क्योंकि ये एक केमिकल के द्वारा होने वाली प्रक्रिया होती है। और इस डायलिसिस के दौरान व्यक्ति को बीच बीच में कुछ खाने को भी दिया जाता है जिससे कि उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी बनी रहे। तो ऐसी होती है ये एक समस्या। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें तो धीरे धीरे आपकी ये समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।